मैजडॉक के एक बार चार्ट्स देखिए अरुण, और क्या सजेशन रहेगा इन लेवल से? देखिए डेफिनेटली यार, तो एक से दो जो डिफेंस स्टॉक्स हैं जैसे कि मैजडॉक, जीआरएस, इवन बीएल, थोड़ा कुछ ट्रेंड तो मैं जरूर नजर आ रहा है और मैजडॉक क्लियरली आउट परफॉर्मर है और 4500 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है, तो जिनके पास भी है वो होल्ड करें, 4500 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 4750 से 4800 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे, और जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पर एक ही चीज का ध्यान रखें क्योंकि काफी वोलेटाइल होता है स्टॉक का नेचर भी वैसा ही है, इसलिए 4500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 4750 और 4800 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। ओके, तो मैजडॉक पर रहा है स्टॉक, अभी भी 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, 4678 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 3.5% की बढ़त के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए, दिवाली का मौका होता है तो बात होती है शुभ निवेश की भी, और इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विस्फोटक निवेश आइडियाज, ब्रोकरेजेस के कुछ ऐसी टॉपिक्स जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगी। और इसी कड़ी में आज जानते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की दिवाली पिक्स, जिसे बताने के लिए हमारे साथ यतिन मोता। यतिन बताइए, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की दिवाली पिक्स का सवाल है तो इसको तीन बकेट्स में अलग कर देंगे। सबसे पहले जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, यहाँ दो बड़े नाम जो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज को पसंद है, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके बाद एसबीआई, ये दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी अपसाइड लग रही है। इनफैक्ट रिलायंस में उनका टारगेट है 3240 रुपये के आसपास और SBI में 960 के टारगेट के साथ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मिड कैप्स की बात करें, जहां फाइनेंशियल्स पे HDFC सिक्योरिटीज को लगता है कि अच्छे पैसे बन सकते हैं, उनमें सबसे पहले L&T फाइनेंस, टारगेट है 219 रुपये, PNB हाउसिंग जहां इनको लगता है कि 1160 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और बैंक ऑफ इंडिया में वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट है 132 रुपये। तो ये तीन फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जहां HDFC सिक्योरिटीज को लगता है कि बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। इसके अलावा स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी उनके तीन चार स्टॉक्स हैं जो फोकस पे रहेंगे, सबसे पहले JK लक्ष्मी सीमेंट, ज्योति लेबोरेटरीज, नैलको, इन सभी स्टॉक्स में अच्छे टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज। और इसके अलावा थोड़े छोटे मजौले शेयरों में NCC में 363 रुपये के टारगेट्स हैं और नवीन फ्लोरिन पे भी लगभग 3950 के टारगेट्स HDFC सिक्योरिटीज रख रहा है। शुक्रिया यतिन आपका ये आइडियाज़ बताने के लिए, जो कि HDFC सिक्योरिटीज़ की टॉपिक हैं इस दिवाली, और इस दिवाली निवेश का बेहतरीन मौका। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हिंदुस्तान जिंक की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी, करेंगे उनसे चर्चा रिजल्ट्स पर, जल्द वापस आते हैं।